हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर विकास बघेल और आज मैं आपको बताऊंगा त्रिफला चूर्ण के बारे में। मेरे पास वैद्यनाथ कंपनी का त्रिफला चूर्ण है। आज मैं आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि त्रिफला चूर्ण क्या होता है, क्या इसके फायदे होते हैं, क्या इसका नुकसान होता है, कैसे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ इसका क्या प्राइस है। इस सब चीज़ की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं त्रिफला चूर्ण के बारे में। त्रिफला चूर्ण एक आयुर्वेदिक चूर्ण है, जिसे बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाओं के द्वारा बनाया जाता है। यह आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाव करने में भी मदद करती है और बहुत सारी बीमारियों को रोकने में भी मदद करती है। त्रिफला चूर्ण एक बहुत ही पुरानी आयुर्वेदिक दवाई है, जिसका इस्तेमाल आपके शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। आप इसका इस्तेमाल करके अपने पेट संबंधी बहुत सारी दिक्कत, जैसे कि कब्ज, पेट के अंदर गैस बन जाना, पेट के अंदर गुड़गुड़ाहट होना, पेट का फूलना, इन सभी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इसका दूसरा फायदा होता है आंखों के लिए। जिन भी लोगों को आंखों से संबंधित दिक्कत आती है, आंखों में रोशनी की कमी पाई जाती है, या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा दूर का या बहुत नज़दीक का दिखाई नहीं देता है, उनके लिए त्रिफला चूर्ण एक वरदान की तरह साबित होता है। तीसरा इसका फायदा होता है त्वचा के लिए। त्रिफला के अंदर ऐसी बहुत सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, जो कि आपको त्वचा के इन्फेक्शन से बचाने में मदद करती है। अगर आपको स्किन इन्फेक्शन बार बार होता रहता है, स्किन में ग्लो नहीं आता है, स्किन के अंदर कोई और प्रॉब्लम बनी रहती है, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने में यह काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अब मैं आपको बताता हूँ त्रिफला के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं। दोस्तों, त्रिफला के अंदर तीन इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, त्रिफला, यानी कि इसके अंदर तीन प्रकार के फल होते हैं। पहला फल इसके अंदर आंवला होता है, दूसरा फल इसके अंदर विभिदक होता है, तीसरा फल इसके अंदर हरितकी होता है। ये तीनों अगर आप अलग अलग भी लेते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा, और अगर आप इन तीनों को मिक्स कर लेते हैं तो आपका यह त्रिफला चूर्ण बन जाता है, जो कि आपके पूरे शरीर के लिए फायदेमंद रहता है और पूरे शरीर को बेहतर करने में मदद करता है। इससे आपका शरीर मजबूत भी होता है और शरीर की ताकत भी बढ़ती है। तो अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कैसे कैसे आप किस किस बीमारी के दौरान त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं पेट संबंधी बीमारियों को दूर करने के लिए आप त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल कैसे करोगे। तो दोस्तों, अगर आपको पेट के अंदर गैस बनता है, कब्ज होता है, गुड़गुड़ाहट होती है, पेट फूलना, ऐसी कोई दिक्कत होती है, पेट में दर्द होता है, तो आप त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल कैसे करोगे। आपको 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना है, थोड़ा सा आपको गुनगुना पानी लेना है। आप गुनगुने पानी की मदद से रात को सोने से पहले त्रिफला चूर्ण को लेना शुरू करें। यह आपके पेट संबंधी दिक्कतों को दूर करेगा, गैस, कब्ज, इन सभी समस्याओं को दूर करेगा। अगर आपका फैट बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो इस उपाय से आपका फैट भी घटना शुरू हो जाएगा, मोटापे की समस्या को भी यह कम करेगा। दूसरे नंबर पर, अगर आपके पेट में दर्द है, गैस है, कब्ज है, और आपको अकेले त्रिफला चूर्ण से फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको 2 चम्मच इसबगोल लेनी है और 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना है। दोनों को गुनगुने पानी में मिलाएं और इसको आपको पी जाना है। यह आपके पेट के दर्द को भी ठीक करेगा, कब्ज, गैस को ठीक करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा फायदा। अगर आप अपने स्किन संबंधी समस्या को दूर करना चाहते हैं, चेहरे पर ग्लो लाना चाहते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का आपको स्किन का इन्फेक्शन बार बार होता रहता है, त्वचा के ऊपर बार बार पपड़ी सी जम जाती है, रूखापन आ जाता है, तो इस समस्या को आप त्रिफला चूर्ण की मदद से कैसे ठीक कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा त्रिफला चूर्ण लेना है, इसमें आप थोड़ी सी मात्रा में शहद मिला लें, दोनों को मिक्स करें। अगर आप इसको खाना चाहते हैं तो खा भी सकते हैं, अदरवाइज आप अपने चेहरे पर लगाकर अपनी त्वचा संबंधी समस्या को दूर करने के लिए इसका सहारा ले सकते हैं। दोनों ही तरीके बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं और दोनों का भी रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, तो आप दोनों तरीकों में से किसी भी एक तरीके को आजमा सकते हैं। तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, तीसरी जो बीमारी है आंखों से संबंधित बीमारी, जिन लोगों को आंखों से कम दिखाई देता है, धुंधलापन दिखाई देता है, ज़्यादा दूर का या ज़्यादा नज़दीक का दिखाई नहीं देता है, उनके लिए त्रिफला चूर्ण कैसे मदद करेगा। दोस्तों, इसके अंदर आंवला पाया जाता है। आंवला हमारी आंखों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अंदर विटामिन ए और विटामिन सी अच्छी मात्रा में रहते हैं, तो आपके शरीर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता है। आपको क्या करना है, आपको 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना है। इसे आप 1 गिलास पानी में डालें, इसे अच्छी प्रकार से उबालें। उबलते उबलते जब यह आधा रह जाए तो आपको इसे उतार लेना है। अच्छी प्रकार से आप इसे छान लें और रोजाना इस पानी को पीना शुरू करें।
या फिर आप थोड़ा सा त्रिफला चूर्ण गाय के घी के साथ मिलाकर रोजाना इस्तेमाल करोगे तो भी आपकी आंखों की रोशनी बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, धुंधलापन भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप त्रिफला चूर्ण का बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ त्रिफला चूर्ण की कीमत क्या होती है। दोस्तों जो वैद्यनाथ कंपनी है इसका जो 100 ग्राम का पैकेट है इसकी कीमत मात्र 57 रुपये है। आप इसे डाबर कंपनी का, पतंजलि कंपनी का या फिर किसी अन्य कंपनी का भी खरीद सकते हैं। जो भी आपके कंपनी नज़दीक हो या फिर मेडिकल स्टोर पर जो भी आपको अवेलेबल हो आप उस कंपनी का इसे ले सकते हैं। तीनों का ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा फायदा रहता है और त्रिफला चूर्ण बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी देता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। साथ ही साथ अगर आप किसी और बीमारी से संबंधित वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।